परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम तेन के चरण पादम
3 बजे स्टीमर पर सवार होकर एलिफेंटा केव्स देखने के लिए गए। स्टीमर से उतरकर कुछ फासला कश्तियों से तय किया और फिर पत्थर के सुतूनों यानी खंभों पर कूदते फांदते समंदर के पार पहुंचे। जब केव्स यानी गारों के करीब पहुंचे तो इस जोर का तूफान आया कि मालूम हो गया तूफान किसे कहते हैं। बिजली इस जोर से कड़कती थी और जमीन आसमान कांपने लगते थे। जोर से बारिश होने लगी। शाम के 6 बज गए लेकिन तूफान बदस्तूर यानी यथावत जारी था। 6:30 बजे के करीब गारों से निकले और भीगते भीगते
कश्तियों में सवार हुए और 6:40 गुजरे स्टीमर पे चढ़कर वापस हुए। रास्ता भर बारिश होती रही लेकिन समंदर कतई खामोश था। 8:30 घर आए और मालिक का शुक्राना अदा किया। कुल पार्टी 26 आदमियों की थी। सब के सब लोग सही सलामत घर पहुंच गए। घरों में मामूली शिव जी की मूर्तियां थीं, जिनके पुर्तगीजों ने अंग भंग कर दिए थे। 9:00 रात का सत्संग हुआ। रात के सत्संग में अंतरी दर्शन की कैफियत व महिमा का जिक्र हुआ और बयान हुआ कि अंतरी दर्शन और मामूली ख्वाबों में क्या फर्क है। रा ध स्व आ नी करूं